नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए, खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समीक्षा बैठक हाजी मुनीर रंगरेज राष्ट्रीय सरपरस्त के निजी निवास स्थान पर आयोजित हुई, जिसमें संपूर्ण भारत से रंगरेज समाज के जिम्मेदार लोग उपस्थित हुए। हाजी मुनीर रंगरेज ने आए हुए मेहमानों का सम्मानजनक स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता इशरत अली रंगरेज राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संचालन राष्ट्रीय महासचिव तस्लीम रंगरेज ने किया। बैठक से पूर्व पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इशरत अली रंगरेज ने कहा कि रंगरेज समाज सदियों से भारत में पिछड़ी जाति के रूप में निवास करता है, परंतु सरकारों की उदासीनता के कारण आज तक रंगरेज समाज को देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। उन्होंने बिरादरी के शिक्षित युवाओं से रंगरेज फाउंडेशन से जुड़कर समाज के लिए योगदान करने का आह्वान किया। कफील अहमद रंगरेज राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षित समाज ही देश की तरक्की में योग्य भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज मोहम्मद अख्तर रंगरेज ने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित महिला ही मजबूत परिवार की बुनियाद रख सकती है। और क्या कुछ कहा, आगे की रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। मैं इशरत अली रंगरेज, हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ फिरोजाबाद में। हाजी मुनीर साहब जो हमारे सरपरस्त हैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं डॉक्टर फारूक साहब कासगंज से, हमारे सरपरस्त हाजी अल्लाह रखा साहब लोनी से, हमारे हाजी रईस साहब सरपरस्त साहब गाजियाबाद से, हमारे जनरल सेक्रेटरी तस्लीम साहब मेरठी, हमारे साहब नईम भाई, हमारे साहब काजल साहब, हमारे साहब कल्लन भाई बास, हमारे निजाम भाई अभी नहीं आए हैं, हम कफील भाई हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, हम अपना जो फाउंडेशन चला रहे हैं, हमारा एक मकसद है अपने समाज को हम जागरूक करने के लिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए, हमारा ये मकसद है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें और सरकारी सिस्टम में आए। हम अपने फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं कि हमारा कहीं समाज जो है राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले हमें। हम हर 3 मंथ के बाद हमारी मीटिंग होती है, आज हमारी मीटिंग फिरोजाबाद में है। आज ये डिसाइड होगा कि आने वाले जो 3 मंथ होंगे उसके बाद में कहाँ मीटिंग होगी हमारी। मोहम्मद तस्लीम रंगरेज है, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। यहाँ आज फिरोजाबाद में हमारी समीक्षा बैठक रखी है, जो हर 3 माह में हम लोग करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम चलाया हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हर 3 महीने बाद जो है वो स्टेट वाइज जो है हमारी ये प्रोग्राम होता है समीक्षा बैठक, जिसमें हमने 3 महीने की जो हमारी कारकर्दगी है और जो कार्यकारिणी ने काम किए हैं उसमें हमें कितनी कामयाबी मिली और आने वाले वक्त के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे हम लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे, वो ये हम इस समीक्षा बैठक में काम करते हैं। दूसरा हमारा जो इस वक्त आज का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ जो प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी यहाँ बनी हुई है, साथ साथ हम स्टेट की कमेटी को भी यहाँ पर हमने इन्वाइट किया हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब यहाँ मौजूद हैं, तो प्रदेश की कार्यकारिणी की भी यहाँ समीक्षा की जाएगी कि अब जो काम यहाँ यूपी में चल रहा है उसमें जो है हम आगे रंगरेज बिरादरी के अंदर जो यहाँ काम हुआ है वो बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो शिक्षा के ऊपर काम हमारा चल रहा है, बेटी बचाओ जैसा अभी हाजी साहब ने कहा बेटी पढ़ाओ, और इसके अलावा जो शादियों में निकाह को आसान करने की जो मुहिम हमारी है कि निकाह को आसान करें और शरीयत के अनुकूल जो है वो निकाह कराए जाएं बिरादरी के अंदर, इस बात का पैगाम और आह्वान कर रहे हैं हम लोग नौजवानों से कि वो आगे आएं और नौजवान साथी जो है वो आसान निकाह करें, दहेज मुक्त जो है वो निकाह करें और जो है मुश्किलात ताकि गरीब बच्चों को गरीब बेटियों को जो है निकाह में आसानी हो। की मीटिंग रखी गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपका और आप चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ आए। आज हमारी रंगरेज जो है फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक बैठक है, उसमें आलीजन इज्जत मत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इशरत अली साहब आए हुए हैं और हमारे हाजी जयेद साहब आए हुए हैं, तस्लीम साहब आए हुए हैं, नईम साहब आए हुए हैं, हाजी अल्लाह रखा साहब आए हुए हैं, डॉक्टर फारूक साहब आए हुए हैं और भी हमारे साथी सब आए हुए हैं। और हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा समाज जो है वो समाज हमारा बहुत पिछड़ापन में है। हमारा समाज
हमारा समाज बहुत पीछे है, हमारे समाज में एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी। हमारे अध्यक्ष जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बहुत भाग दौड़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है और इस बात की लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई तालीम हासिल करो, क्यों पेटी पढ़ा पेटी बचाओ वाला जो अभियान है उसी के तहत हमारे अध्यक्ष जी पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं। आज हमारी जो यहाँ पे हो रही है मीटिंग वो इस बात की मीटिंग हो रही है कि हमें आगे काम क्या क्या करना है, हमें काम कैसे करना है और हमारा जो काम अब तक हो रहा है और जो अब तक काम चल रहा है उस काम में हमें हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हम उसको जो है अपनी खामियों को जो हटाने के लिए आज चाची जो इस तरह की हमारी टीम आई हुई है। मैं इनका और आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ।